आई डोंट नो, वन ऑफ माय फ्रेंड्स आस्क्ड मी कि एक टिकटॉकर है जो कि उसने दो तीन वीडियोस कुछ ऐसी बनाई है जो कि वीडियो पे कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ देख रहा है लाइक दिस, और उसकी वीडियोस में मिलियंस के व्यूज आए हैं जस्ट फॉर दिस. मैं टिकटॉक पे ये ट्राई करूंगा लेकिन यूट्यूब पे ये काम करने वाला नहीं है. तो आई एम एसन यूसुफ एंड आई वेलकम टू यू ऑल टू माय चैनल जिसका नाम है सेंचर. और वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो यूनि असिस के हवाले से है. सो बिफोर डाइव डीप इनटू द वीडियो, मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर तो नहीं किया हुआ, अगर तो कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया. बेल आइकन क्लिक कर दें, उसका फायदा ये होगा कि अगर तो कोई वीडियोस मैं अपलोड करूंगा तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी. और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आती है, अगर पसंद नहीं आती तो डिसलाइक का बटन उसके बराबर में ही है. और अगर तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं वेदर फॉर दिस वीडियो या लाइफ इन जर्मनी या स्टडी लाइफ इन जर्मनी के हवाले से, यू कैन कॉमेंट डाउन और कॉमेंट्स में क्वेश्चन होंगे वहीं पर आंसर दे दूँ. तो ये सब मंजन भेजने के बाद हम आते हैं आज के मेन कंटेंट पे, यूनि असिस. अब ये यूनि असिस है क्या? देखो, सब लोगों को पता है जो कि मेरी ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं कि मैं स्टडी लाइफ इन जर्मनी के हवाले से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं. तो इसलिए मैं हर वीडियो स्टार्ट इसलिए करता हूं कि आज से चार साल पहले जब मैंने अप्लाई किया था, मैं कंपेयर कर रहा होता हूं. तो यूनि असिस का सीन क्या है? अगेन, आज से चार साल पहले जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरे दिल में, दिमाग में, आत्मा में, यार जब ये कैमरा होता है ना खुद स्टार्ट हो जाती है ये चीजें, आई एम सॉरी. तो मेरे दिमाग में एक अजीब सा खौफ था और वो खौफ ये था कि यार ये यूनि असिस इज समथिंग लाइक, अगर तो मैंने इससे अप्लाई किया ना तो इट्स लाइक 100% रिजेक्शन. अब सीन ये था, जब मैं सिंपल यूनिवर्सिटीज पे अप्लाई करता था तो मुझे एक्सेप्टेंस आती थी, और जब मैं यूनि असिस के थ्रू अप्लाई करता था तो मुझे रिजेक्शन आती थी. उस वक्त कुछ सिनेरियो ये था तो यूनि असिस का बहुत बुरा इंप्रेशन था. बट नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम अब मुझे पता चला यूनि असिस इज बेस्ट. ठीक है, और अब है क्या ये यूनि असिस? और रिजेक्शन मुझे आई थी, ये आप लोगों को जब आती हैं तो यूनि असिस के थ्रू तो क्यों आती हैं? अब व्हाट इज यूनि असिस? अब यूनि असिस है कबाब में हड्डी. सिंपल, एक तरफ आप है, एक तरफ जर्मनी है, और बीच में ये हड्डी है जिसका नाम है यूनि असिस. अब हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड जर्मन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं. कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जर्मन यूनिवर्सिटी के पास बहुत होते हैं. उनकी एप्लीकेशन को एवेल्युएट करने में उनको बहुत टाइम लग रहा था. कुछ तो एप्लीकेशन बहुत ही परफेक्ट होती थी, फाइन, लेकिन कुछ एप्लीकेशन उनको ऐसी रिसीव होती थी जो कि बहुत मुश्किल से उनके जो क्राइटेरिया उस पर सेट होती थी. तो अब कुछ जर्मन यूनिवर्सिटी से, आई रिपीट, कुछ जर्मन यूनिवर्सिटीज ने यूनि असिस, एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे बर्लिन में, उससे कॉन्टेक्ट किया और कहा कि लेट्स डू कॉन्ट्रैक्ट. अब वो कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा था कि जर्मन यूनिवर्सिटीज ने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स बता दी कि हमारे पास ये कोर्सेज हैं इस सेशन में और उनकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं. अगर तो कोई भी कैंडिडेट आपको हमारे इस कोर्सेज, इस सेशन के लिए अप्लाई करता है तो अगर तो वो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो उसकी एप्लीकेशन हमें फॉरवर्ड कर देना. अगर तो वो इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता तो उनकी एप्लीकेशन उनको ही फॉरवर्ड कर देना. ठीक है, इट मीन्स रिजेक्शन. तो यूनि असिस का एक्चुअली ये काम होता है, इट्स लाइक अ फिल्टर. तो अब उस वक्त रिमेंबर जब मुझे रिजेक्शन आ रही थी, उसका रीजन ये था कि मैं प्रॉपर क्राइटेरिया पे अप्लाई नहीं कर रहा था. अगर कोई यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही है आइल्स 7 और अगर मेरा आइल्स 5 है तो मैं अप्लाई कर रहा हूं तो इट्स अ रिस्क, रिजेक्शन आनी है. क्योंकि भाई आपका 6 है वो 7 चाह रही है तो तुमने अप्लाई क्यों किया है, ना अप्लाई करो. तो अगर 100% यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स पूरी उतरती हैं तो यूनि असिस के थ्रू अप्लाई करो, अदरवाइज चांस लेने की जरूरत नहीं है. अब सवाल ये पैदा होता है कि एसन क्या यूनि असिस के थ्रू अप्लाई करना जरूरी है? तो वो कुछ जो मैंने कहा था, इसी वजह से कहा था, सारी यूनिवर्सिटीज अफिलिएटेड नहीं है यूनि असिस के थ्रू. कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं है. याद है दाद वाली वीडियो, जाके चेकआउट करो. दाद वाली वीडियो में आप जब यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट में जब अप्लाई करने पे जाते हो वो क्लियरली बता देते हैं कि अप्लाई विया यूनि असिस या अप्लाई विया डायरेक्ट पोर्टल. अगर तो वो कह रहे हैं अप्लाई विया यूनि असिस, देयर इज नो अदर ऑप्शन, यूनि असिस के थ्रू ही अप्लाई करना है. अगर तो वो कह रहे हैं डायरेक्ट,
तो फिर डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, आपको सिर्फ सब्र से काम लेना है, पेशेंस से सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो पता चल गया कि यूनिसिस क्या होता है और सब में अप्लाई करना है, कुछ में अप्लाई करना है, ये भी क्लियर हो गया। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं अभी आगे उस यूनिसिस के वेब पोर्टल पे जाके उसको एक्सप्लोर करता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बातें वो कवर कर लूँ। एक रिजेक्शन के मोस्टली रीजन होते हैं कि आप डेडलाइन पूरी नहीं कर पाते। तो यूनिसिस की वेबसाइट पे क्लियर कह दिया गया है, जो यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है एप्लीकेशन की, आप उससे 8 वीक्स बिफोर अप्लाई करो यूनिसिस के थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हो। अगर तो वो 8 वीक्स कह रहा है तो एग्जैक्टली तुम्हें 8 वीक्स पहले अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 10 वीक पहले कर दो, 11 वीक पहले कर लो, थोड़ा टाइम का मार्जिन रखो, थोड़ा बफर जोन होना चाहिए ताकि तुम सेफ साइड पर रहो। तो अप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। तो इसलिए अगर आप प्लान जब भी कर रहे हो तो प्लान अर्ली, एकदम नहीं है लेकिन समर में अप्लाई करना है, तुम 1 महीना है एप्लीकेशन डेडलाइन और तुम हर बनी में अप्लाई कर रहे हो, ये काम जल्दी का नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूँ जल्दी का काम शैतान का होता है। जर्मन यूनिवर्सिटीज का सीन कुछ रिलैक्स और चिल है, आई नो कि वहां पे बैठ के बहुत प्रेशर होता है, मुझे भी था, लेकिन आपको प्रॉपर प्लान करना है, अदरवाइज क्या नुकसान आते हैं, टाइम ज़ाया होगा, ठीक है आपके पैसे ज़ाया होंगे, तो टाइम और पैसा इज एवरीथिंग आज के दौर में। तो अगर ये बचाना है तो प्लान प्रॉपरली, और कोई चांसेस नहीं है यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए हियर इन जर्मनी। अब हम आते हैं पोर्टल की तरफ, तो लेट्स एक्सप्लोर द पोर्टल। So guys, here we are. But before dive deep into the web portal of Uniasys, there is an important note on their website. And the note is, from 23rd of October, the Uniasys is no more Uniassist. It's called MyAssist. But don't you worry guys, MyAssist is the same as a Uniasys, it's just like an updated portal for Uniasys, and this is updated because for your easiness you can apply more in a more easy way, in a more transparent way as compared to Uniasys. So both are exactly the same but the name is different and the link is also the same. But there's also one thing important to keep in the mind, the candidate who have applied before 23rd of October, they need to re-register again in this new MyAssist forum, and that's pretty much simple. You don't need to fill up all the lengthy application or uploaded all of the documents, not like that. You just need to put your application number into MyAssist so that they can relate and match your data. It's just for you guys. And but for those who are fresh, they need to make an account and each and everything via MyAssist portal. So let's go through.